हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज की वीडियो बेसिकली उनके लिए होने वाली है जो जॉब ढूंढ रहे हैं। मैंने मेरी लास्ट वीडियो से एक सीरीज़ मैंने सोची कि मैं बनाऊं और आप सबकी हेल्प करूं। तो जॉब फेयर की बात करेंगे। जॉब फेयर एक जगह होने वाला है, उसकी तारीख है 19 सितंबर 2024। तो लोकेशन है दिल्ली, द ग्रेट कैपिटल। तो नियर बाई लोकेशंस के बंदे आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचने की कोशिश करें आप सब। बट जॉब फेयर की डिटेल क्या है ये बहुत ज़्यादा मायने करेगा। तो बात करते हैं कि दो, एक तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है लाइट हाउस कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कालका जी में ऑफिस है। दूसरी है हमारे पास दिल्ली स्टेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। तो DSEU और लाइट हाउस दोनों आपस में मिलती है, कोलैबोरेट करती है और कालका जी लोकेशन पे स्किल बेस्ड कोर्सेज कराती है। तो उस कोर्सेज की हम बात नहीं करेंगे। अब ये दोनों का जो इनिशिएटिव है वो वहाँ पे एक जॉब फेयर कंडक्ट करा रहा है। जॉब फेयर जहाँ पर एलिजिबिलिटी 10th, 12th और ग्रेजुएट, एज 18 से ऊपर 30 के अंदर, जॉब 4-5 प्रोफाइल की, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव्स, फॉर एग्जांपल सेल्स एग्जीक्यूटिव और अलग अलग, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन पे लिखूंगा। दूसरा, कंपनीज कौन सी है जहाँ पे जॉब लगेगी, और कुछ स्पेशल पॉइंट जो मेरे पास है वो मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूँ। तो आपने करना क्या है, आपने अपने को जॉब दिलाने के लिए कम से कम अभी के सिनेरियो पे दो स्टेप करने हैं। एक तो आपने कहीं से कोर्सेज ऑफर करने, खुद को लेना है, वहाँ पे जाना है, और जहाँ आप जाओगे वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। लाइट हाउस एक ओके ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, जॉब फेयर जो कि फेक भी हो सकते हैं, नकली भी हो सकते हैं, तो आपने उस चीज़ से बचना है। और पर्टिकुलर अगर मैं मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर जो कि सोसाइटी के लिए अगर कुछ बेनिफिशियल कर रहे हैं तो उनको भी आपको चेक करना है कि ये जानकारी जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारे जॉब फेयर बेकार भी होते हैं, तो आपने उस चीज़ से तो बचना है। तो फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे जॉब करी है, तो मैं आपको जानकारी बिल्कुल सही देने वाला हूँ। तो आपने करना क्या है, आपने जॉब फेयर में जाना है जो कि है 19 सितंबर को, और वहाँ पे दो बड़ी कंपनी, एक है यूनिकोलो, जी हाँ, और दूसरी है पिरामल इंटरप्राइज, दोनों कंपनी में आपको प्लेसमेंट मिलेगी, जॉब मिलेगी। करना क्या है, फ्री एंट्री। स्पेशल पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये था कि पिरामल इंटरप्राइज ने एक कोलैबोरेशन करा, उतना मुझे उसका डीप सोर्स नहीं पता, बट उसमें क्या है कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। गर्ल्स को एक साल के लिए वो ट्रेनिंग में, अपने ट्रेनिंग कम सैलरी आप कह सकते हैं, इंटर्नशिप ऐसा कुछ उनका एक मोटिव है, वो तो आपको जॉब फेयर में जाने के बाद पता लगेगा। फिलहाल ये दो कंपनी, और सैलरी की अगर मैं बात करूं तो एक सोर्स से आप सैलरी मान सकते हैं कि गर्ल्स को अप्रॉक्स 15,000 के अराउंड ऑफर करने की बात हुई है। और यूनिकोलो में आप समझते हैं बेसिक जो सैलरी होती है वो स्ट्रक्चर वहाँ आपको देखने को मिलेगा। और आपने इस लोकेशन पे पहुँच के पता करना है, और उसके बाद मुझे भी बताना है कि ये, जी हाँ, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी बिल्कुल सही थी और गलत नहीं थी। और बॉयज़ जो है वो यूनिकोलो और गर्ल्स जो है वो भी यूनिकोलो पे अप्लाई कर सकती है। गर्ल्स जो है बेसिकली पिरामल में अप्लाई करेंगी, और बॉयज़ पिरामल में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे वो मेरे पास थोड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फटाफट आप दोनों चीज़ों को सर्च करो, DSEU और लाइट हाउस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कालका जी। एड्रेस जो है, लोकेशन जो है, मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, और थंबनेल पे आप फ़ोटो खींच सकते हो, वो दूंगा मैं आपको। बट एक चीज़ बता दूँ, होता क्या है कि कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप समझते हो, वो भी ये कंपनीज़ होती है, उनको कुछ टारगेट्स पूरे करने होते हैं क्योंकि वो बेसिकली सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए काम करती है। तो अभी इस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है माइकल एंड सुजन डेल। तो आप
मान सकते हो कि आजकल इस सिनेरियो में गवर्नमेंट हो गई है और प्राइवेट कंपनीज हो गई है जो CSR के थ्रू जॉब्स लगाती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करें। मैंने भी कुछ टाइम पहले जॉब छोड़ के सोशल बोल सकते हो आप CSR बोलो तो सोशल सर्विस के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, जिसमें मैं लड़कों की लड़कियों की जॉब लगाने की कोशिश करता था, कॉलेजों में जाके बात करता था, बट फिलहाल मैंने वो काम बंद कर दिया है। फिलहाल मैं यूट्यूब पे आपके सामने हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और जॉब आपको मिली नहीं मिली, और जॉब ढूंढ रहे हो तो ज़रूर जाओ यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।